सर, आज की तारीख में महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है आप जनता का। सर, जहां समाजवादी पार्टी ने हमेशा कहा कि रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्त हो, सर आज की डेट में सर जो मिडिल क्लास है, जो गरीब तबका है, सर सब परेशान है। चाहे वो स्कूल की फीस हो, चाहे वो मेडिकल बिल्स हो, चाहे वो रेंट्स हो, चाहे वो हाउसिंग हो, चाहे वो लैंड प्राइजेस हो, चाहे वो पेट्रोल डीजल और केरोसिन के दाम हो, चाहे वो बिजली हो, सर उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिसिटी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और साथ में देयर इज नो इंक्रीज इन प्रोडक्शन और बिजली भी मुहैया नहीं करा पा रही है यह सरकार। सर फार्मर्स, हमारे किसानों की जो स्थिति है आज के भारत में, सर फार्मर्स आर हैविंग द वर्स्ट टाइम एवर इन द इंडिपेंडेंट इंडिया। सर आप 3 कानून लेके आए, काले कानून, न जाने कितने किसानों ने अपनी जान गंवाई। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस मुहैया कराएगी हमारे फार्मर्स को, विच हैज नॉट येट मटेरियलाइज। सर आर्टिफिशियल स्कैसिटी क्रिएट की जाती है लेकिन इसका जो मुनाफा होता है सर वो हमारे किसान भाइयों को नहीं मिल रहा है। तो ये किसान भाइयों को जो मुनाफा नहीं मिल रहा है, मुनाफा जाता कहाँ पे है सर? सर इतनी महंगाई हो गई है कि सर महिलाओं को बहुत दिक्कत हो रही है, वो न्यूट्रिशन के एंगल से सर कोई थाली, जैसे कि सुप्रिया सुले जी ने कहा था कि आज की डेट में एक थाली की कीमत लगभग 500 रुपए से भी ज्यादा है। सर अगर वो चाहती है कि दाल रोटी सब्जी पनीर उसकी थाली में हो तो महिला नहीं कर पा रही है। सर बीजेपी इज डिस्ट्रॉइंग द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल फेडरलिज्म एक्सपोज्ड बाय द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सर दे आर डिस्ट्रॉइंग द इंस्टीट्यूशन राइट फ्रॉम ईसी ईडी सीबीआई टू अदर्स। सर दे आर यूजिंग देम एज टूल टू हैरेस द पीपल ऑफ द कंट्री। सर